प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल जी, जिला प्रभारी अशोक सिंह जी, एमएलसी श्री विक्रांत सिंह रेशो जी, पूर्व सांसद संतोष सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व एमएलसी श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, संयोजक माहेश्वर कांत पांडे जी, अशोक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी दलों सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, चार चरणों के चुनाव बहन और भाइयों संपन्न हुए हैं। पांचवां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद छठे चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहन और भाइयों, चार चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है, वे पूछते 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गढ़ गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं,
निरुवा ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहर्निश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा भोजपुरी का सुपरस्टार निरहुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। मैं भाइयों, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए, सड़क बिजली पानी हाईवे रेलवे संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को भाई बैठ जाओ या आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने को बैठ जाओ भैया आराम से बैठ जाओ। और बहनों भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है एक योग्य जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरहुआ ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है, भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ होती थी और नाम भी आजमगढ़ का आता है, कहीं सराय मीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का। आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटित थी। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है, आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी में भी अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था,
गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू हो जाता था। कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लग जाता था। कोई बेचारा कमा करके लाता था, रास्ते में छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। कोई व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद है, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सपाई गुंडा कब्जा कर लिया है, यही तो होता था। और बहनों और भाइयों आज के दिन पर आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वह बोझा ना बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 10-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया और कमबख्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और तब भी कोई राग अलाप रहा पाकिस्तान का तो जाए खुशी के साथ पाकिस्तान जाए, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों हम पूरा पैसा देते हैं, 12 करोड़ रुपए तो केवल निरोवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने गरीब बचे होंगे उनको उज्ज्वला योजना का भी कनेक्शन मिलेगा और उनको एक एक मकान भी उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है और नल में शुद्ध आरओ का जल भी है, ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या, किसी की जाति पूछी गई क्या, किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों इस सब के बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं गरीबों का कल्याण भी हुआ है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए,
अरे पूरी अयोध्या पूरे राजन बड़ी होकर के आ गई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में अब में अंतर है ना। देखो पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आओ भगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ वहां दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, लिए गए थे जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था। बजरंग बली का मंदिर, संपत मोचन मंदिर, काशी में जिन आतंकी हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हमारे समय में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो आतंकवादियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी तो निकल रही है, शानदार तरीके से निकल रही है ना, निकल रही है ना। अब मुझे बताओ, कोई गुंडा और कोई माफिया आज के दिन पर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की या किसी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? क्या बन सकता है क्या? और ये दुस्साहस करेगा क्या? और यही कारण है ये गुंडे और माफियाओं के जितने भी सरगना है ना, ये चुनाव में डर रहे हैं। सब क्या कह रहे हैं, अरे साहब बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये योगी जी बुलडोजर लेके क्यों आ गए? हमने कहा चिंता मत करो, बाकी जो बचा होगा चुनाव के बाद ही पूरा हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं आपसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। देखो जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहिए, वही विकास लेके आता है। अब देखो ना, आपने समाजवादी पार्टी को बार बार चुनाव चला के देखा, सभी विधायक उनके ही हैं, सांसद भी 2019 में आपने एक सपा का जिताया, एक बसपा का जिताया। खैर बसपा का सांसद तो दे रहा है दुरुस्त है, उन्होंने कहा भी मैं गलत पार्टी में थी, अब बीजेपी में आ गई है। लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत आपने जब्त करवाने का काम किया था और देखते ही देखते पहचान भी बदल गई आजमगढ़ की और विकास भी हो रहा है। विश्वविद्यालय भी मिल गया है, मेडिकल कॉलेज भी अच्छे ढंग से काम कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज भी हम लोग वहां पे बना रहे हैं, यहाँ की बेटियां नर्सिंग का अध्ययन यहीं पे करेंगी आजमगढ़ में ही, और संगीत महाविद्यालय, नए नए निरुवा पैदा होंगे, नए नए अम्रपाली दुबे पैदा हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सबको एक्टिंग करने का एक मंच ये लोग यहाँ पे दे देंगे। हमारा आजमगढ़ अब आतंकवाद का नहीं बल्कि मनोरंजन का और फिल्म सिटी का एक केंद्र बनकर के उभरेगा, नए नए युवाओं को यहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा। मैंने तो इनको एक बात कही है, मैं तो इनको एक बात कहा हूं कि भाई देखो नए लोगों को ट्रेनिंग देना, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे भाजपा के ही अध्यक्ष और पदाधिकारियों को आप फिल्मों में ले जाके उन्हीं से शूटिंग कराना शुरू कर दें, उनको संगठन के ही काम करने देना। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास आया हूं इनके साथ फिल्म में काम करने के लिए। यशवंत सिंह है, यशवंत सिंह जी फिल्मों में काम करें उनके साथ में, कोई दादा का रोल कर सकते हो। लेकिन अभी सहजानंद राय को मत छेड़ना, ये सभी लोग संगठन का काम करेंगे अभी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अभी आजमगढ़ को बहुत कुछ देना है, औद्योगिक सिटी बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जो आजमगढ़ का हमारा नौजवान अभी मुंबई कमाने के लिए गया है, कलकत्ता कमाने के लिए गया है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, अब वहां जाना ना पड़े बल्कि हम यही उद्योग लगा करके उसको काम यही देंगे और आजमगढ़ का हमारा नौजवान देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके, इस प्रकार की प्रस्तुति बनानी है। इसके लिए निरोवा यहां के लिए आवश्यक है। और इसके लिए बहनों और भाइयों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
मैं नए नगर को धन्यवाद दूंगा, पिछली बार आपने उपचुनाव में निरोवा को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था। फिर भेजेंगे भेजेंगे, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तोड़ेंगे। देखो ये समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं और कल जब यहां से जाएंगे ना चुनाव के बाद, आपको पहचानेंगे भी नहीं, देखना पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो अरे बड़े लोग हैं, पिकनिक मनाने के चले आए हैं, कोई इंग्लैंड घूमेगा, कोई कुल्लू मनाली की तरफ भागेगा, कोई कहीं और जगह भागेगा, उनको आपसे क्या लेना देना है। चुनाव में आ गए केवल पिकनिक मनाने के लिए, उनको विकास से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितनी लूट खसोट करनी थी सब कर चुके जी, अब तो उसको निकालने की बारी आ रही है। इसलिए आजमगढ़ को एक बार घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे सब, लेकिन अब बच के रहना, थोड़ा अपने बीच के निरोवा को चुनाव जिता करके भेजिए, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। करेंगे आजमगढ़ करेगा, अरे वहां खोल करके सामने आके बोलो, दोनों हाथ ला करके बताओ मुझे, क्या करेंगे, क्या निरोवा चुनाव जीत करके जाएगा? लेकिन बहनों और भाइयों, निरोवा को चुनाव जिताने के लिए दो काम करने होंगे, आपको घर घर जाना होगा। जाएंगे मोदी जी और योगी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे, और पहचानना क्या, यही बोलना है, गांव गांव भर में संदेशा यही देना है कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए निरोवा का आजमगढ़ से जीतना आवश्यक है। बोलेंगे बोलेंगे ना, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। Yeah, yeah.